अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ कि आपको डेटा से अगर जवाब देना है तो आपको इस किस्म का देना था। ये लिंक्डइन की स्क्रीन ने आपसे शेयर की है। आप लिंक्डइन के ऊपर जाएं और वहाँ पे लिखें डेटा स्क्रैपर और पाकिस्तान। अब देख रहे हैं, ये बता रहा है कि नो मैचिंग जॉब्स फाउंड। इसका मतलब डेटा स्क्रैपर्स की पाकिस्तान में कोई जॉब नहीं है। आप फिर लिंक्डइन के ऊपर जाएँ, डेटा स्क्रैपर्स देखें और पीपल में सर्च करें तो आपको दिखा रहा है 4000 लोग हैं जिन्होंने अपने जॉब टाइटल पे डेटा स्क्रैपर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट फ़िलहाल सेचूरेटेड हुई हुई है। 4000 लोग मुल्क में मौजूद हैं जिनको डेटा स्क्रैपिंग का काम आता है और जॉब अवेलेबल नहीं है। अब आप मज़ीद इस पर बात कर सकते हैं कि 4000 लोग जो ये हैं, ये बेरोज़गार बैठे हैं या जॉब कर रहे हैं। अगर ये सारे के सारे जॉब कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी फील्ड है। इसका मतलब अगर आप डेटा स्क्रैपिंग सीख जाएंगे और अगली जॉब आएगी तो आपको मिलेगी, बिकॉज ये 4000 जो बंदे हैं ये तो ऑलरेडी जॉब के ऊपर लगे हुए हैं। आप देखते हैं 4000 में से 3000 बेरोज़गार बैठे हुए हैं, फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं। अब आप करेंगे तो आपका 3000 से मुकाबला होगा। फिर सर्च को आप जूम इन कर लें। आप बोलें कि ठीक है, तो पाकिस्तान में ना, तो हो सकता है इस्लामाबाद में कोई ना हो, मैं लिया में हूँ वहाँ पे कोई ना हो, मुल्तान में कोई ना हो, तो तमाम के तमाम सर्च कर सकते हैं। फिर हमने एक सर्च और किया क्वांटम कंप्यूटिंग को। पाकिस्तान में 271 बंदे हैं जिनको क्वांटम कंप्यूटिंग आती है लिंक्डइन के हिसाब से। फिर आप बाकी भी सर्च कर लें, आप रोज़ी भी कर लें, कोई और मोस्टर पे कर लें, कोई और जॉब पोर्टल आप यूज़ करते हैं उसको इस्तेमाल करके देख लीजिए। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग की कोई जॉब नहीं है। इसका मतलब अगर आप क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर कुछ सीखना चाहते हैं और कोई MIT से कहीं से भी, अल्नाफे से कहीं से कोई डिग्री करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, और आप सखर में, हैदराबाद में, खैरपुर में रहते हैं तो आप भूखे मरेंगे, बिकॉज वहाँ पर जॉब कोई नहीं है। हाँ, अगर आप न्यूजीलैंड, अमरीका चले जाएंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे। तो अगर आप ऐसी स्किल सीख रहे हैं जिसकी मांग बाहर मुल्कों के अंदर है, तो आपने देखना पड़ेगा कि आप उसके लिए घर बैठ के रिमोटली काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी रिमोट जॉब्स आती हैं। कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी होती हैं डिफेंस की, उसमें रिमोट बंदा नहीं हायर किया जाता। तो ये आपको अपना सोचना है। अपने ब्लॉकचेन डेवलपर को देखा तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें 14 जॉब्स अवेलेबल हैं, तो 14 जॉब्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और पाकिस्तान के अंदर 69 बंदे हैं जो लिखते हैं कि वो ब्लॉकचेन डेवलपर हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। पहली बात, पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनको ये फील आती है, और दूसरी बात, जॉब्स भी अवेलेबल हैं। ये 69 ऑलरेडी लगे हुए हैं जॉब के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ 14 जॉब आई हैं, यहाँ तो वो डबल तनख्वाहों के ऊपर, ज़्यादा तनख्वाहों के ऊपर इन बंदों को तोड़ के कहीं से लेकर आए। यहाँ ये जॉब्स आप कर लीजिए और आप सीख लीजिए। सीखना हो तो मेरा ब्लॉकचेन का कोर्स भी अल्नाफे पे अवेलेबल है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स भी अल्नाफे के ऊपर अवेलेबल है। आगे चलते हैं। ये जावा डेवलपर को सर्च किया कराची के अंदर, तो हमें पता चला 765 लोग हैं जो जावा डेवलपर हैं। फिर हमने सर्च किया डेटा साइंटिस्ट को, तो इस वक्त 28 जॉब्स डेटा साइंटिस्ट की अवेलेबल हैं। और जब हम देखते हैं कितने लोगों को डेटा साइंसिस पाकिस्तान में आती है, तो वो हमारे पास तकरीबन 2700 लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें डेटा साइंस आती है। तो ये भी बड़ी इमर्जिंग फील्ड है, जॉब्स अवेलेबल हैं, आप सीखेंगे जा सकते हैं। और ये तो सिर्फ एक दिन की बात है, इसमें रोज़ी शामिल नहीं है, इसमें अखबार शामिल नहीं है। 80% जॉब जो दुनिया में आती हैं वो कहीं पर एडवर्टाइज़ नहीं होती। बंदे को रिक्वायरमेंट होती है, पर्सनल वर्ड ऑफ माउथ होता है, वो अपने एम्प्लॉइज से बोलता है। तो जो भी नंबर आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, आप आँख बंद करके उसको 80% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो टोटल जॉब्स होंगी जो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगी। अब पाकिस्तान में कितनी जॉब्स आ रही हैं, ये नीड क्या है, हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर अगले लेक्चर में बात करते हैं।